नमस्कार, सिटी एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। रतलाम में एक बार फिर से जिला प्रशासन का अमला मदरसों की जांच करने पहुंचा और प्रशासन ने यहां वेरिया खेड़ी में मदरसे की जांच की तो पता चला कि एक मदरसा जो कि बिना अनुमति के संचालित हो रहा था और इस मदरसे में 44 बच्चियां पढ़ रही हैं जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। दरअसल महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और यहां एसडीएम सिटी इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचे और जब उन्हें ये पता चला तो वे सभी दंग रह गए। दरअसल मदरसा बिना अनुमति के चल रहा था और संचालक का ये कहना है कि अनुमति की प्रक्रिया चल रही है और छोटी सी बिल्डिंग में ये पूरा मदरसा संचालित हो रहा था जिसका रिकॉर्ड प्रशासन ने अब तलब कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर अब क्या आगे कार्रवाई की जाएगी ये भी देखने का विषय होगा। बिना आज्ञा के और बिना किसी कागजातों के, बिना किसी परमिशन के ये मदरसा संचालित किया जा रहा था जिसमें 44 बच्चियां पढ़ रही थी। रतलाम में मदरसों की जांच करने के लिए रतलाम का जिला प्रशासन लगातार अब सड़कों पर उतरा है। रतलाम के बिरिया खेड़ी स्थित एक मदरसे पे जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, साथ ही साथ महिला बाल विकास के अधिकारी है। आधा दर्जन से ज़्यादा अधिकारी यहां पर जांच कर रहे हैं। 44 बच्चियां यहां पर इस मदरसे में दर्ज हैं जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश की बच्चियाँ भी इसी मदरसे में यहाँ पर जो धर्म की शिक्षा वो ले रही हैं और ये महिला बाल विकास के अधिकारी हैं जो कि पूछताछ कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा प्रमाइस है, यहाँ पर जो ये जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर रहती है और ये इस कमरे में भी जो है यहाँ पे जांच कर रही है। कुछ केयर टेकर यहाँ पे मौजूद है जो इन बच्चियों का देखरेख करते हैं, महिला बाल विकास के अधिकारी है और ये देखिए लगातार जांच कर रहे हैं यहाँ पे। इनसे चर्चा भी कर लेते हैं। सर, कितनी बच्चियाँ यहाँ पे दर्ज है और कहाँ कहाँ की बच्चियाँ? बच्ची हैं जिनका एडमिशन यहाँ पे और स्कूल में हमने करा रखा है, लेकिन पूरे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स हम अभी जमा नहीं करा पाए क्योंकि कुछ स्कूलों से उनके रिजल्ट वगैरह नहीं मिल पाए, इसके वजह से जो है वो अधूरा। परमिशन की क्या स्थिति है? हमारे पास नहीं, हमने उज्जैन डाल रखी है, फाइल चल रही है और क्या नाम उनका जी, हाँ बोलिए, क्या नाम इनको फाइल दे रखी है, इमरान सर वकील हैं, उनको फाइल दे रखी है, आप उनसे मालूमात कर सकते हैं। कितने रूम है यहाँ पे रहने की व्यवस्था? रूम है टोटल। केयर टेकर कौन है, महिला है पुरुष है? बच्चों के लिए 5 रूम है, 2 एक टीचर के लिए हैं। केयर टेकर कौन है? आप यही रहते, साथ में रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ, बच्चियाँ ऊपर रहती हैं, मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या नाम है आपका? शाहिद रजा। पद क्या है आपका? मैं कारी हूँ पद से, उर्दू। तो शहीद रजा साहब बता रहे हैं कि परमिशन अभी नहीं है, परमिशन अंडर प्रोसेस है, उसके बावजूद 40 बच्चियाँ यहाँ पर रजिस्टर्ड है जो कि यहाँ पर धर्म की शिक्षा ले रही है। सुधीर जैन, न्यूज 18, रतलाम। और चलिए अब सीधा चलते हैं सुधीर के पास जो कि हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सुधीर, बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी परमिशन के 44 बच्चियों को रजिस्टर्ड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जा रही है, इतना सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे, कितने समय से चल रहा था ये सब? विकास की जो बाल संरक्षण आयोग की जो मेंबर हैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा रतलाम पहुंची थी और एकाएक वे खाचरोद रोड स्थित एक मदरसे में पहुंची थी तो वे बहुत सारी चीजें देख के प्रसन्न रह गई थी। उनका कहना है कि मदरसे में हर जगह सीसीटीवी लगे हुए थे, बच्चियों की किसी भी तरह से प्राइवेसी नहीं थी और ये मदरसा बिना परमिशन के चल रहा था खाचरोद रोड स्थित। उसके बाद रतलाम के जितने भी 5 मदरसे हैं बालिका खासतौर पर, वहां सभी मदरसों पे है रतलाम जिला प्रशासन की टीम अब लगातार पहुंच रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि कई मदरसों की परमिशन ही नहीं है, सालों से चले हैं, बिल्डिंग तन गई है, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी घोर लापरवाही है जिला प्रशासन की कि उसके अधिकारी ताकने तक के नहीं जाती है कि उनके जिले में, उनके शहर में, उनके कस्बों में आखिर क्या चल रहा है। और किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो फिर सब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए जिला प्रशासन के पास ही पहुंचेंगे। बड़ा सवाल कल ये था कि 44 बच्चे रजिस्टर्ड है जिनके डॉक्यूमेंट भी मदरसा संचालक के पास नहीं थे और न्यूज 18 के कैमरे पे वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि हाँ परमिशन अंडर प्रोसेस है और आपने 40 बच्चों का एडमिशन कर दिया। आप ये भी कह रहे हैं कि इन बच्चियों को हम जो लोकल स्कूल है वहां पढ़ा रहे हैं, जब वहां से रिकॉर्ड तलब किया गया तो बहुत सारी बच्चियां वहां पे रजिस्टर उनके रिकॉर्ड में नहीं मिली, यानी पूरी तरह से अनियमितता यहां सामने आई। इसके बाद जो दूसरे 2 मदरसे हैं वहां भी पहुंचे, वहां भी इसी तरह की बातें सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है कि उनके नाक के नीचे ये सब चल रहा है और इनके अधिकारी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते चले आ रहे हैं। सालों से ये सब हो रहा है लेकिन देखने वाला कोई नहीं। जब बाल संरक्षण आयोग की मेंबर पहुंचती है उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है और इसके बाद अब जिला प्रशासन नींद से जागा है और अब देखना यह है कि जितने भी जांच रिपोर्ट है वो कलेक्टर के पास सबमिट कर दी और कलेक्टर इस मामले में किस तरह का एक्शन लेते हैं। जी, किया जा रहा है कि प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, अब इसकी जांच कौन करेगा? क्या वाकई ये बात सही है? क्या ये तथ्य जो बताए जा रहे हैं वो सही है? और अगर ये अंडर प्रोसेस है भी तो भी इतने समय से जब ये चलाया जा रहा है मदरसा
और इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है, तो ये तो आपराधिक दायरे में आता है मामला? जी बिल्कुल आता है। एसडीएम है, लोकल एसडीएम से हमारी कल जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पूरी जो रिपोर्ट है वो कलेक्टर को सबमिट करेंगे, इसके बाद रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम ही इस पूरे मामले में कुछ न कुछ कह पाएंगे। तो पूरी जो गेंद है वो प्रशासन यानी जिला प्रशासन कलेक्टर के पाले में है और वे ही इस पूरे मामले में बता पाएंगे कि क्या आपराधिक मामला दर्ज होगा या कुछ और तरह की कार्रवाई वे करते हैं। सुधीर नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई और हादसे में 6 लोग घायल हो गए। दरअसल 2 की हालत यहां काफी गंभीर बताई जा रही है और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेज दिया है। कानपुर से चित्रकूट दर्शन करने के लिए ये सभी बस सवार गए हुए थे और चित्रकूट थाना क्षेत्र के मुखारविंद के पास ये हादसा हुआ और 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए। और ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये जो हादसा हुआ रात के समय जहां पर एक बस पलटी हुई तस्वीरों में दिखाई दे रही है, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, कब की ये दुर्घटना है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कहां के श्रद्धालु थे और क्या है स्थिति फिलहाल? ये जो श्रद्धालु थे ये कानपुर से चित्रकूट आए हुए थे और लगभग 12 बजे के करीब, देर रात 12 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। जब मुखारविंद के दर्शन करने जा रहे थे उसी समय इनकी जो बस है जो सड़क की पटरी में धस गई है और वहीं पे ये बस पलट गई है। आनंद फानंद पुलिस मौके पे पहुंची, जो स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करके सभी जो बस में फंसे श्रद्धालु थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। लगभग 6 से ज्यादा जो यात्री हैं उनको चोटें आई थी जिनमें से 2 की हालत गंभीर है, उनको जानकी कुंड अस्पताल चित्रकूट में भर्ती कराया गया है और अब जो बस को है उस सड़क से हटा दिया गया है और ताकि यातायात बहाल हो सके। जी बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और खबर मुरैना से, जहां एक शख्स के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल स्कूटी सवार एक शख्स की पिटाई की गई और 4 से 5 लोगों की पिटाई की गई। सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। और ये देखिए, ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जहां मारपीट की गई है। माधोपुरा की पुलिया के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए किस तरह से मारपीट की जा रही है, हाथ में डंडा लेकर काफी दूर तक उसे खदेड़ा गया और स्कूटी छोड़कर वो शख्स वहां से अपने आप को बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था और एक शख्स के साथ मारपीट की गई, जहां पर देखिए किस तरह की हाथापाई ये की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, आखिर है क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये मामला अज्ञात कारणों के चलते मारपीट की है और युवक जब अपने घर से निकल करके मार्केट जा रहा था, इसी दौरान स्कूटी को पहले तो 4 से 5 लोग रोकते हैं और फिर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के माधोपुरा की पुलिया के पास का है, जहां पर 4 से 5 लोग आते हैं और स्कूटी सवार युवक को अज्ञात कारणों के चलते मारपीट शुरू कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम जो पास का लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। फिलहाल इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने भी 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर नगर निगम के पार्षद, वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे ये लागू किया जाए रायपुर में, इसके लिए मैसूर और बेंगलुरु जाकर इसकी जानकारी लेंगे। दरअसल 70 पार्षदों का दल आज बेंगलुरु और मैसूर शहर के दौरे पर रहेगा। दोनों शहरों से वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम कैसे काम करता है इसकी जानकारी लेने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए सभी जाएंगे और ये पार्षद 1 हफ्ते तक इन दोनों जगह, इन दोनों शहरों में रहेंगे और फिर लौटकर वापस रायपुर में इसे लागू करने का प्रयास रहेगा। पूरे 70 पार्षद अध्ययन दल के लिए बेंगलोर रवाना हो रहे हैं। कल 11 बजे की फ्लाइट है, वहां पर जाके हम स्वच्छता को लेकर, वहां एक वाटर ट्रीटमेंट चालू हुआ है पानी ट्रीटमेंट को लेकर, ये दो चीज हम लोग बेंगलोर नगर निगम और मैसूर नगर निगम जाके मांगे। शहर में वाटर ट्रीटमेंट का सिस्टम ठीक तरीके से लागू हो और बेंगलुरु और मैसूर की तर्ज पर यहां काम होना चाहिए और वहां की परिस्थितियों का
और यहाँ की परिस्थितियों का जो अंतर है उस अंतर को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे। तनु, बेंगलुरु और मैसूर की तर्ज पर अब रायपुर में भी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में ऐसे भी पहले से कई तरह की समस्याएं जो है व्याप्त है, और हाल ही में राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में जल भराव की समस्या जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार जब भी यहाँ बारिश होती है जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, और राजधानीवासी बीते लंबे सालों से इस समस्या से जो है वो जूझते नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच जल भराव जैसी समस्याओं को दूर करने का काम जो है 5 साल तक नगर निगम के द्वारा जो है नहीं किया गया, और इस बीच अब नगर निगम जो है कर्नाटक और मैसूर और बेंगलोर के दौरे पर जो है वो जा रहे हैं, और वहाँ वो नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का जो है वो अध्ययन करेंगे। करीब एक हफ्ते तक मेयर समेत जो 70 वार्ड के पार्षद हैं वो सभी जो है इन दोनों शहरों के दौरे पर रहेंगे, और इन दोनों शहर में जो लागू सफाई की बात करें हम, टैक्स वसूली की बात करें, इसके अलावा और भी अन्य व्यवस्थाएं जो इन दोनों शहर में लागू है उन सभी का वो जायजा लेंगे, और उसका जायजा लेने के बाद जब वो राजधानी रायपुर लौटेंगे तो राजधानी रायपुर में इन सभी योजनाओं को और व्यवस्थाओं को लागू करने की कवायद जो है वो की जाएगी। वहीं माह के अंत में जो है नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, महापौर के कार्यकाल को कुछ माह ही बाकी है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब वो अध्ययन करके वापस लौट भी जाएंगे तो आखिर इसे कुछ माह बाकी होने की वजह से आखिर लागू इसे कब करेंगे। इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जिसमें 5 साल तक नगर निगम की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं महापौर एजाज डे पर अचानक से सड़क की लड़ाई लड़ने पर जो है वो उतर चुके हैं। चाहे इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण की हम बात करें, नालों की सफाई की हम बात करें, जल भराव की समस्या की हम बात करें, तो अभी 5 साल तक इन समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है महापौर एजाज ढेबर के द्वारा अचानक इन मुद्दों पर जो है वो प्रकाश डाला जा रहा है, और इसी कड़ी में अब नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए मेयर जो है वो दौरे पर जा रहे हैं। आखिर ये देखने वाली बात होगी कि जब वो वहां से वापस लौटते हैं तो उनके कार्यकाल का कुछ माह ही बाकी है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ माह बाकी होने से जब वो अध्ययन करके वापस लौटते भी तो आखिर इस योजनाओं पर, इन व्यवस्थाओं को राजधानी रायपुर में कब तक लागू जो है वो किया जाएगा। स्वाभाविक है, और कम से कम डीपीआर तैयार कर सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है, और उसके बाद क्रियान्वयन करने के लिए फिर दोबारा जब चुनाव होंगे, जब नए पार्षद चुने जाएंगे, हो सकता है कि नई सरकार में इसका फिर क्रियान्वयन हो जो कि नगर निगम की जिम्मेदारी संभालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी।